दोस्तों नमस्कार, हमारे कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले की तहसील मनावर के एक छोटे से गांव अजंदा की, जहां पर सेवा सहकारी समिति मर्यादित अजंदा में जिंदा लोगों को तो लोन मिलता है, खाद मिलती है, फसल के लिए बीज मिलता है, वहीं जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उन्हें भी लोन, खाद, बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी ऐसी सोसाइटी पूरे भारत में कहीं भी नहीं होगी जहाँ ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी लोन दिया जाता हो। अरे भाई, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है ग्राम अजंदा में। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। यह है धार जिले के मनावर तहसील का एक छोटा सा करीब 3500 की जनसंख्या वाला गांव अजंदा, जिस पर आई माता का आशीर्वाद प्राप्त है, जो कपास और मिर्च की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। पर यहाँ की सोसाइटी भी कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो रही है पर भ्रष्टाचार के लिए। पिछले एक वर्ष में करीब 40 शिकायतें उपायुक्त धार से लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक धार, कलेक्टर कार्यालय धार से भोपाल आयुक्त तक शिकायतें होने पर भी भ्रष्टाचार नहीं रुका। हाँ, सिर्फ भ्रष्ट मैनेजर के खिलाफ शिकायतें हुई थी, उसे पद से हटा दिया गया। ग्राम अजंदा की सोसाइटी के भ्रष्ट मैनेजर के खिलाफ लगभग 40 शिकायतें की गई, तब जाकर अजंदा के किसानों को इंसाफ मिला। पर इस इंसाफ में कुछ कमी सी रह गई, क्योंकि 40 शिकायतें आ जाने पर भी उसे कार्यमुक्त करने के बजाय पद से हटाकर अब सहायक बना दिया है। खैर, जो भी हो, यह एक जांच का विषय है, यह उपायुक्त धार के संज्ञान का विषय है। पर कहीं से अति के अंत की शुरुआत तो हुई। गांव के ही एक किसान जो शिकायतकर्ता भी हैं, कैलाश मांगीलाल, उन्होंने हमें बताया कि उनके पिता श्री मांगीलाल हीरा जी, जो इसी गांव में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और इस सोसाइटी में खाता धारक भी थे, मांगीलाल जी के द्वारा सन 1998 में अपना पूरा खाता क्लोज कर दिया गया था। मांगीलाल जी का निधन सन 2002 में हो चुका है और अब उनकी मृत्यु को लगभग 17 वर्ष हो चुके हैं। कुछ दिनों पूर्व अजंदा सोसाइटी में हुए भ्रष्टाचार का पता चला तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी अपना खाता चेक करवा लेते हैं। जब वो खाता चेक करवाने के लिए गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पिताजी अचानक स्वर्ग से धरती पर कब लौट आए, कब उन्होंने लोन ले लिया और कहाँ खेती कर ली। यह बात मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा सोसाइटी के वर्तमान मैनेजर मनोज हम्मड़ ने हमें खुद अपने हाथों से लिख कर एवं उस पर अपने दस्तखत और अजंदा सोसाइटी की सील लगा कर कहा है। अजंदा सोसाइटी के वर्तमान मैनेजर मनोज हम्मड़ ने हमें यह भी बताया कि स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी हमारी बैंक से सन 2003 से 2011 तक लगातार लोन लेते रहे और 2011 के बाद फिर उन्होंने लोन लेना बंद कर दिया। जब इस पूरे मामले में मांगीलाल जी के सुपुत्र कैलाश को पता चला तो उन्होंने जन सुनवाई में कलेक्टर साहब, सहकारिता विभाग के उपायुक्त भारती शेखावत मैडम और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री वसुनिया जी को लिखित में शिकायत की और बताया कि मेरे पिताजी की मृत्यु 2002 में हो गई है। पिताजी सन 2011 तक लोन लेते रहे, अब या तो मेरे पिताजी का स्वर्ग से धरती पर आने का प्रूफ दे दे या इस पूरे मामले की जाँच करे। मेरा मामला ये है कि मेरे पिताजी 2002 में शांत हो गए, उसके बाद में मैं कुछ सोसाइटी में गया 2018-19 में। हाँ, 19 में गया। हाँ, तो मालूम पड़ा कि यार, मैंने खाता चेक करवाया मेरे पिताजी का, तो मालूम पड़ा कि 2003 से खाता चला रहे हैं ये। हाँ, तो मैंने पूछा किसने चलाया खाता, तो क्या मालूम बोले हमको नहीं मालूम। और मैंने फिर मालूम पड़ा कि यार खाता चला है कि जगदीश कुमावत के द्वारा चलाया गया है, ये वहाँ का प्रबंधक है। तो किसने बताया आपको कि जगदीश कुमावत ने चलाया है? यही तो चला रहा था सब सोसाइटी का, सब कारोबार एक ही हाथ में, प्रबंधक भी यही है, सचिव भी यही है, सब काम कारोबार इसी का है, जगदीश कुमावत का। और बिल्कुल जो ये कहेगा वही होगा, कोई प्रबंधक ना कोई दुनिया, कोई चपरासी कुछ नहीं बोलता इसके आगे, यही करता है सब कुछ। अच्छा, जब इस पूरे मामले की जब हम गहराई में गए तो हमें पता चला कि सोसाइटी के पूर्व मैनेजर जगदीश जी सोसाइटी को वैसे ही पूरी तरह खोखला कर चुके हैं। इनके खिलाफ पिछले दो वर्षों में करीब 30 से 40 शिकायतें दर्ज हुई। बड़ी बात तो यह है कि इन सब शिकायतों के चलते उपायुक्त सहकारिता ने इन्हें बर्खास्त न करते हुए पद से हटाकर सहायक के पद पर पदस्थ कर दिया।
आज भी पर वह सोसाइटी में मैनेजर की भूमिका में ही नजर आते हैं। जगदीश चंद्र ने कई ऐसे लोन कर दिए जिनके पास न जमीन है, न वह जीवित है और ना ही वह किसान है। पर अब इस पूरे मामले में कोई बड़े स्तर की अभी तक जांच नहीं हो पाई है, जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि जगदीश चंद्र जी कहीं ना कहीं एक बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं, या दबंग है, या रसूखदार होंगे, या हो सकता है किसी बड़ी पार्टी के नेता हो। वरना 40 शिकायत आने के बाद अब तक एक भी शिकायत का निर्णय नहीं हो पाना, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। ऑडिट की रिपोर्ट में हर बार सैकड़ों गलतियां पाए जाने पर और बैंक के हिसाब में गड़बड़ियां आ जाने के बाद भी अब तक कोई भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। कार्यवाही के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जाती है। जो जांच दल आता है वह अपनी मर्जी से ही जांच प्रतिवेदन बनाकर ले जाता है। किसान कहते कुछ और हैं और जांच दल लिखता कुछ और है। हम खुद भी सीएम हेल्पलाइन पर कई शिकायतें कर चुके हैं, पर उनके जवाब बड़े ही अजीबोगरीब आए हैं और बिना बताए ही जांचों को बंद कर दिया जाता है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि ना तो सहकारिता विभाग, ना जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और ना ही माननीय कलेक्टर महोदय इस पूरे मामले में कोई निर्णय ले रहे हैं। तो बेचारे गरीब किसान जिनके पिताजी 20 साल पहले शांत हो चुके हैं, उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की और हमारे संवाददाता लोकेश यादव स्वर्गीय मांगीलाल जी के घर गए और देखा कि पूरा मामला क्या है। घर पर उनकी और उनकी पत्नी की फ़ोटो भी लगी थी, जिस पर एक माला चढ़ी थी, और कैलाश उनके पिताजी की फ़ोटो पर माला चढ़ाकर पूजा कर रहे थे। हमने गांव के बहुत से लोगों से बातचीत की और सब ने यही बताया कि सन 2002 में श्री मांगीलाल जी का देवलोक गमन हो चुका है। आप कैलाश भाई को पहचानते हैं? जरूर। इनके पिताजी का नाम? मांगीलाल। इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है या नहीं हुई है? मृत्यु हो चुकी है। कितना समय हो गया? करीब 2002 में शांत हो गए। आपके जो पीछे बैठे इनको पहचानते हैं आप? हाँ। क्या नाम है इनका? इनका कैलाश। इनके पिताजी का नाम? इनका पिताजी का नाम मांगीलाल। इनके पिताजी आज के समय में जिंदा है कि मृत्यु? नहीं, मृत्यु हो गई नहीं उनकी। कितना समय हो गया? उनका बहुत समय होगा, करीबन 2002 में। 2002 में। और हम मोहल्ले में रहते हैं सब। आप इनके मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, मोहल्ले में रहते हैं। क्या नाम है आपका? विराग। मतलब इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी? हाँ, हो चुकी। आपके पीछे भी जो बैठे हैं। हाँ। क्या नाम है इनका? कैलाश। इनके पिताजी का नाम? मांगीलाल। इनके पिताजी की मृत्यु कब हो गई? ये करीब बहुत समय से हो गए। इनके पिताजी की मृत्यु 2002 या 3 में हुई थी। कि अभी तक जिंदा है? नहीं। आपको कैसे मालूम? मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है। मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी? हाँ, काफी समय से हो चुकी है। आप पड़ोसी इनके? हाँ। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम पाटीदार। हाँ, पाटीदार। इसी तरह इसी सोसाइटी से सावित्री बाई, चंदूबाई पति घिसालाल, पेमाजी पिता हीरा जी, गणपत पिता गब्बा जी, दाड़िमबाई पति गंगाराम और मांगीलाल जी गिरा जी, यह वह नाम है जिन्हें मृत्यु होने के बाद भी सोसाइटी के द्वारा लोन दिया गया है। अब या तो यह बात मानी जाए कि सोसाइटी के द्वारा बड़ा भारी गबन और भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और या तो सोसाइटी के जो मैनेजर हैं उनका भगवान से कोई पर्सनल कांटेक्ट जरूर है, जो अपने निजी संबंधों के आधार पर मृत्यु के बाद भी स्वर्ग लोक से उन्हें बुलाकर उनके अंगूठे लगवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं, लोन दे देते हैं और पैसे भी निकाल कर रख लेते हैं। अब निकाले हुए पैसे से उन्होंने समाज सेवा की है या स्वयं की सेवा की है, यह मामला तो अभी जाँच का है, क्योंकि मृतक के परिवार वालों तक यह पैसा नहीं पहुँचा है। हमारे आज के इस कार्यक्रम पड़ताल में बस इतना ही। हम जल्द ही हाजिर होंगे अजंता सोसाइटी के ही कुछ और सनसनीखेज मामलों के साथ। हम देंगे सच का साथ और हम रखेंगे आपकी बात। सच की इस लड़ाई में आप भी हमारा साथ दें और आगे आए। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।